कॉरिडोर बनने के बाद काशी विश्वनाथ परिसर कुछ ऐसा दिखता है, जहां पर एक ओर बाबा विश्वनाथ विराजे हैं और दूसरी ओर देखिए बाबा विश्वनाथ किस ओर विराजे हैं और नंदी जी किस ओर देख रहे हैं। तो नंदी जी यहां पर हैं और नंदी जी देख रहे हैं ज्ञानवापी परिसर की ओर, और उनके ठीक बगल में आपको यह ज्ञानवापी कूप दिख जाएगा जिसको लेकर सदियों पुरानी मान्यता है यहां पर। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब से बन गया तब से कुछ इस तरह का स्वरूप दिखता है, और देखिए परिसर के उस पार आपको ज्ञानवापी मस्जिद भी दिख जाएगा। एक दीवार है जिसमें नीचे थोड़ा सा कॉन्क्रीट और उसके ऊपर जो रेलिंग सी लगी हुई है जिससे दोनों का विभाजन होता है। पहले गली से भी आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं होते थे, अब आप जहां से देखिए आपको ज्ञानवापी मस्जिद तक सब कुछ नजर आ जाएगा वहां पर। और ये सारी चीजें जो साफ साफ नजर आ रही है ना, उसी के कारण अब बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो अब कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर भी पेश की जा रही है, क्योंकि वीडियोग्राफी उसकी हो रही है। नंदी जी यहां से देख रहे हैं, लेकिन हम आपको अब दूसरे नक्शे में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि दूसरी ओर से क्या दिख रहा है। तो अब देखिए मैं अब उस जगह पर आ गई हूं जो मंदिर और मस्जिद के बीच का हिस्सा है। अब आपको मैंने दिखाया था परिसर के भीतर से कि क्या नजर आ रहा था आपको, किस तरीके से नंदी जी दूसरी ओर मुख करके अपना बैठे थे। अब यहां से इस ग्रिल के जरिए देखिए तो जो कि नजर आता है अभी भी मस्जिद परिसर की ओर से, तो वहां से आपको दिखेगा कि नंदी जी तो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ मुख करके बैठे हैं, और उसके साथ ही आपको वो कूप भी दिख जाएगा। अब कूप से हम आपको बताएंगे कि कैसे जो वजू के लिए जो इस्तेमाल होने वाला कुंड है वो किस तरह का है, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के हिसाब से ये समझिए कि ऊपर का हिस्सा तो आपको गुंबद का दिखता है, लेकिन नीचे की जो ये दीवारें हैं ये प्राचीन निर्माण भी है, और इसमें भी इसके जो दूसरे हिस्से में दूसरी दिशा से जब आप ज्ञानवापी मस्जिद को देखते हैं तो इन दीवारों के लिए भी बताया जा रहा है कि उसमें प्राचीन जो कलाकृतियां हैं, जो घंटी है, वैसी चीजें इसमें ब्रह्म कमल वो सारी चीजें बनी हुई हैं। तो ऊपर का हिस्सा आप देखते हैं सफेद रंग का, लेकिन नीचे का हिस्सा वो जो प्राचीन दीवार का हिस्सा आपको नजर आता है, और उसी में आपको सामने ज्ञानवापी कूप भी दिख जाता है और नंदी जी भी जो कि ज्ञानवापी मस्जिद की ओर मुख करके बैठे हैं। अब जो तीसरा प्रमुख नक्शा है वो हम आपको समझाते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए, जो हमने पूरे उस निर्माण को उकेरा है अपने स्टूडियो में। बहुत अहम है ये समझना कि वजू खाना कहां पर है, और उसके साथ ही कहां पर यह बताया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है। तो कोर्ट ने कह दिया था जहां जहां तक जाना है वहां वहां तक जाए, ताला नहीं खुल रहा है ताला तोड़कर जाए, ताला तोड़ने की आवश्यकता हुई नहीं। 3 दिन का सर्वे और उसमें जो चीजें आज निकली हैं वो सबसे ज्यादा अहम रही हैं। देखिए मंदिर और मस्जिद के जो बीच का रास्ता है ना, जब सदी भर पहले यहां पर दंगा हुआ था, 1809 में दंगा हुआ था, तब भी बीच वाले हिस्से को लेकर ही हुआ था कि खुले में नमाज को लेकर, और हिंदू पक्ष की ओर से भी कुछ दावे किए जा रहे थे उन सारी चीजों को लेकर। उसके बाद बहुत भयानक दंगे भड़के थे, लेकिन अब देखिए शिवलिंग का दावा कहां पर हो रहा है, जहां पर नंदी जी अपना मुख करके बैठे हैं शिवलिंग का दावा वहां हो रहा है। कह रहे हैं कि वजू खाना जो है, वजू यानी कि नमाज से पहले जब आप अपने हाथ पैर को साफ करते हैं उस प्रक्रिया को ये कहते हैं, और उसके लिए कहीं पर भी पानी का कोई बॉडी बना होता है, कोई छोटा सा तालाब रहता है, कुआं रहता है, तो वैसा ही वजू खाना यहां पर है इसी के बीच के हिस्से में जहां पर आप देख रहे हैं, और वहीं पर बताया जा रहा है कि एक शिवलिंग मिला है वहां पर। उसके बाद अदालत की तरफ से भी तमाम आदेश दे दिए गए हैं, बहुत सारी पाबंदियां भी लगा दी गई हैं, और अभी बहुत बवाल इसको लेकर मचा हुआ है। देखना है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या होता है, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का ये हिस्सा और मंदिर का वो हिस्सा, बीच का हिस्सा जहां पर अभी से नहीं सदियों सदियों से विवाद रहा है, और वहीं पर वजू खाने में शिवलिंग के मिलने का दावा किया जा रहा है। ज्ञानवापी के इतिहास से छेड़छाड़ कितनी भी हुई हो, लेकिन जब वजूखाने के तालाब से पानी हटा तो सच उभर कर सामने आ गया। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवारों पर मौजूद निशान पिछले कई 100 सालों से अपने सत्य का प्रमाण पेश कर रहे थे।
लेकिन इस प्रत्यक्ष को स्वीकार करने से इनकार किया जाता रहा। नहीं मिला। साफ इनकार है, बिल्कुल साफ। कार्रवाई समाप्त पूरी होती है माना जाए। अब बाबा मिल गए, नंदी के सामने बाबा मिले हैं। अरे भाई, तो वो कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए, ये अदालत तय करेगी। आपका भी तो पक्ष बताइए, क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं। मिले हैं क्या? नहीं, हमारे घर नहीं। ये घंटी की कलाकृति बताती रही कि ये हिंदू देवालय की दीवार, ये लताएं, ये ब्रह्म कमल, ये बंद किया गया दरवाजा मंदिर के विध्वंस का इशारा दे रहे थे, लेकिन चुप्पी शताब्दियों तक हावी रही। आज ज्ञानवापी के सर्वे में जब नंदी के मुख के सामने 12.8 फीट व्यास के शिवलिंग के दर्शन हुए, तो इस प्रत्यक्ष की गूंज पूरे देश में सुनी गई। प्राचीन समय से जब भी शिव मंदिरों का निर्माण होता है, तो नंदी शिवलिंग की ओर मुख करके बैठते हैं। इसी तर्क के आधार पर हमेशा से यह माना जाता रहा कि जिस दिशा में नंदी देख रहे हैं, उसी दिशा में शिवलिंग है, और ये मान्यता आज सही साबित हुई। कुछ तस्वीरों से आपको इस सच के दर्शन करवाते हैं। ये पहली तस्वीर है, जिस ओर नंदी मुख करके बैठे हैं, इसी ग्रिल की दूसरी तरफ वजू खाना है। इसी वजू खाने में मौजूद कुंड से शिवलिंग मिलने का दावा है। ये तस्वीर उसी वजू खाने की है जिसके कुंड से शिवलिंग पाया गया। अब आपको ये तीन तस्वीरें एक साथ देखनी चाहिए, ताकि आपकी समझ में ये बात आ जाए कि ये राज पिछले कई सौ सालों से किस तरह छिपा रहा। पहली तस्वीर ये, जिसमें नंदी जी का मुंह दाईं ओर दिखता है, जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर पीछे की ओर है। दूसरी तस्वीर इसी का दूसरा एंगल, नंदी और उनके सामने एक ग्रिल। नंदी और ग्रिल वाली तस्वीर को 180 डिग्री घुमा दे तो तीसरी तस्वीर का वजू खाना दिखने लगेगा। ये वजू खाना ग्रिल के दूसरी तरफ बना हुआ है। ये वजू खाने का कुंड है, जिसमें बैठने की जगह बनी हुई है। इसी कुंड से शिवलिंग मिला है। अब हम आपको नंदी जी से मिलवाते हैं, जो 350 सालों से ये बताते रहे कि शिवलिंग कहाँ है। नंदी शिव की ओर मुंह करके ध्यान मग्न है। 353 साल की प्रतीक्षा अपने आप में किसी तपस्या से कम नहीं होती। काशी विश्वनाथ धाम में जब आप भ्रमण करेंगे, जब इस कॉरिडोर में अलग अलग जगहों को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इनमें कई ऐसे हिस्से हैं जो बेहद प्राचीन हैं, जैसे कि नंदी जी जो स्थापित है हमेशा हमेशा से भोले बाबा के साथ। और इसके साथ ही आपको बहुत सारा आधुनिक निर्माण भी देखा जाएगा, खास तरह के पत्थरों के साथ, जो नागर शैली के की कलाकृतियों का नमूना होता है, वो भी आपको दिखेगा। बहुत सारे मंदिरों में इस शैली का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ बाबा विश्वनाथ धाम में भी उसका प्रयोग किया गया है। पिछले वर्ष काशी विश्वनाथ धाम की रिपोर्टिंग के दौरान हमने नंदी जी के पास बने ज्ञानवापी कुंड की तस्वीरें भी ली। इसके नाम पर ही इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद पड़ा। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में इस समय हम हैं, और यहाँ पर ये ज्ञानव्यापी कुआं है। इसके जल का बहुत महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इससे ये ग्रहण आपने कर लिया, तो आपको ज्ञान भक्ति का जो संचार आपके भीतर होगा, वो अद्वितीय होगा। बहरहाल, लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। अब काशी के लोगों की ये मन्नत भी रही कि बाबा विश्वनाथ धाम को इस रूप में वो देख पाए। पंडित जी, ये ज्ञानव्यापी कुआं जो है, इसके जल का क्या महत्व? ये जल का महत्व है, ये आचमन करने का महत्व है, ज्ञान भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा है। मानस में तुलसीदास भी लिखते हैं, मुक्ति जन्म में ही ज्ञान खान अगहान कर, जह बसे शंभु भगवान, सो काशी सहित कसन। रामचरित मानस में तुलसीदास ने कहा है कि जल के अंदर ही शंकर और पार्वती का वास है। ये कुआं उस समय का है जब पृथ्वी पर गंगा नहीं आई थी, मेघ भी नहीं बरसता था, पृथ्वी पर जल का अभाव था। शंकर के गण ईशान देव ने अपने त्रिशूल से इस कुएं की जल को उत्पत्ति किया है। ये स्कंद पुराण के काशी खंड में प्रमाण मिलता है। क्या मन में भाव? ये प्रसन्नता हो रही है, एक परिसर में सब मंदिर का दर्शन एक साथ हो रहा है। जो अंदर गलियों से भड़कते हुए आते थे, उनको अब जो है रास्ता एकदम सीधा घाट से मंदिर के आने का रास्ता मिल जाएगा। उससे मन में प्रसन्नता है, दर्शनार्थियों को अब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं, कहा जाता है यहीं पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को ज्ञान दिया था। आज इसी जगह से महादेव ने अपनी मौजूदगी का ज्ञान पूरे संसार को दिया। श्वेता सिंह, वाराणसी, आज तक।